नवग्रह की नगरी खरगोन में रंग पंचमी के अवसर पर जैन समाज के तत्वावधान में वार्षिक महामस्तका अभिषेक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जैन समाज के महान संत श्री प्रणाम सागर जी महाराज पहुँचे हैं। प्रतिवर्ष अनुसार होने वाला आयोजन का यह 14वां वर्ष है जिसमें प्रणाम सागर जी महाराज पहुँचे। इस दौरान समाज ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें महान संत ने नवग्रह की नगरी खरगोन की जमकर तारीफ की और तेजी से फैल रही संक्रमित बीमारी कोरोना वायरस को लेकर मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की है कि स्वास्थ्य के प्रति आपसी सतर्कता बनाए रखें, जिससे बीमारी से बचा जा सके। मीडिया से रूबरू प्रणाम सागर जी ने बीमारी के बचाव के लिए अनुकूल टिप्स बताते हुए क्षेत्रवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कहते हैं जब व्यक्ति दूसरों को सताता है तो वह स्वयं अपने ही वायरस से सताया जाता है। आज हमारे चाइना सारी दुनिया पर हक की बात कहता था, आज वही चाइना कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। भारत देश में ऐसे कोई बीमारी नहीं, ऐसा कोई वायरस नहीं होता है, क्योंकि भारत देश कोरोना का नहीं करुणा का देश है। जहाँ पर करुणा होती है, दया होती है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, तो वहाँ पर कोरोना वायरस का प्रभाव तेज गति से नहीं फैलता है। वैसे तो भारत देश भाग लगाता है, भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान का आशीर्वाद इस भारत भूमि पर है। इस भूमि पर राम भी पैदा हुए, कृष्ण भी पैदा हुए, बौद्ध भी पैदा हुए और महावीर भी पैदा हुए। जिस भूमि पर इतने बड़े बड़े भगवान और संत पैदा हुए हैं, वहाँ पर वायरस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात पारस का आशीर्वाद है, शिव जी का आशीर्वाद है, राम का आशीर्वाद है और साक्षात भारत माता का आशीर्वाद है। खरगोन नवग्रह की नगरी है, यहाँ पर नवग्रह देवों का वास है और हर व्यक्ति नवग्रहों से परेशान है और नवग्रहों के लिए अनेक अनेक प्रकार के रत्न धारण करता है। मुझे विश्वास है यदि आप पोखराज पहनते हैं, माणिक पहनते हैं, नीलम पहनते हैं, मोती पहनते हैं, तो इतना पैसा खर्चा करने से अच्छा एक बार खरगोन के नवग्रह तीर्थ में यदि व्यक्ति समर्पण के साथ अपना भाव रखता है तो मुझे लगता है कि वह नवग्रह से छुटकारा पा सकता है। जब नवग्रह से छुटकारा पाएंगे उसके बाद ग्रह भी होगा, परग्रह भी होगा, संसार भी होगा, सुख भी होगा और संपन्नता भी होगा। इसलिए पूरे दुनिया के अंदर नवग्रह के माध्यम से खरगोन को पहचाना जाता है। शहरवासियों को आपके संदेश देना चाहते हैं कोरोना वायरस को लेकर? यही मैं कहना चाहता हूँ कि अभी इस समय पूरे दुनिया के अंदर कोरोना वायरस फैल रहा है, आप थोड़ा सा सावधानी रखें, रात्रि भोजन का त्याग रखें, पानी छान करके गर्म करके पिएं और अपने बच्चों को पिलाएं, थोड़ा सा कपूर बच्चों के साथ रखें और 5 लवंग और थोड़ा सा माँ तुलसी का आशीर्वाद अपने साथ रखेंगे तो वह कोरोना वायरस आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। और खरगोन तो वैसे ही माँ नर्मदा के आशीर्वाद से जुड़ी हुई धरा है, माँ का आशीर्वाद है आपकी धरा पर और नाम से ही खरगोन, जहाँ से कोरोना हो जाए गोन उसको कहते खरगोन। तो यहाँ तो कुछ रुकता नहीं है, यहाँ तो सब गोन ही गोन है, तो इसलिए टेंशन का कोई विकल्प नहीं है। यही मेरा आदेश है, आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, पूरे खरगोन वासियों के लिए। हमेशा अपने काम में खड़े उतरें, अपने विश्वास में खड़े उतरें, अपनी राजनीति में खड़े उतरें और खरगोन वासी के लिए खड़े उतरेंगे तो कोई भी खरगोन वाला तुम्हें गोन नहीं कहेगा, कहेगा कम ईयर कम ईयर कम यार। रहने के लिए आप लोगों को संदेश देगा सभी खरगोन वासियों के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।